सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बुद्धि सबके पास है, चलाकी करनी है या ईमानदारी वो संस्कार पर निर्भर करता है। चलाकी चार दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निकटता बनाए रखती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। वाणी व्यवहार और विचार यह आपके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जितनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे उतनी कीमत ऊंची मिलेगी। आज का पंचांग 18 मई 2023 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 7:22 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:55 से 3:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:50 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मेरा से 18 मई 2023 दिन गुरुवार, यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसीलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा संभावित है, हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी मनोरंजक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांतिपूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। दिन व्यवस्थित बीतेगा, फोन कॉल से महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी संबंधित रुका काम आसानी, प्रॉपर्टी संबंधित रुका काम आपसे बातचीत से निपटेगा। युवा लोग हायर स्टडी और करियर को लेकर सावधान रहेंगे। खुद की गलतियों का एहसास हो सकता है, परिस्थिति बदलने की कोशिश ना करें वरना आगे चलकर पछतावा हो सकता है। अपने काम और कर्तव्य को गंभीरता से लें। जिन कामों में अभी तक आपको सफलता मिली है उनमें बदलाव आएगा। काम का विस्तार करने के लिए नया मार्ग मिलेगा। रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करें, बीपी संबंधी समस्या भी बढ़ सकती है। सावधानियां, ओवर एक्साइटेड होने से परहेज करें, धैर्य और संयम से काम लें, अनुभवी और बड़े लोगों के मार्गदर्शन पर चलें, आपकी खास परेशानी सुलझ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के लिए दिन अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव पर जाने से सुकून मिलेगा, संबंध मधुर होंगे, समझौता ना करें। आपको अपने काफी व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। शायद आप इसीलिए अपनी कीमत नहीं समझ पा रहे। अपने प्रिय के लिए कोई गीत या गाना कंपोज कर सकते हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम करके दे सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे अवसर एवं पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको शुभ संदेश मिल सकता है। ये समय किसी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के आवेदन के लिए भी अच्छा है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, बिजनेस के कामों को लेकर एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ेंगे, इनकम बेहतर होगी, नई योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा है। लेन देन सावधानी से करें, नौकरी की समस्या दोस्त की मदद से सुलझेगी। बात करते हैं सेहत की। खान पान संतुलित रखें वरना गैस एसिडिटी से रूटीन गड़बड़ा सकता है। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और आप अपनी साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आज का उपाय,
आज आप केले के पेड़ की पूजा करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।